हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के सामने। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों से संबंधित कैपलर के नियम। तो मेरे चांद सितारों, मम्मी की परियों और पापा के मगरमच्छों की उल्टा हो गया हो नहीं पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस नियम को हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और रटने को मैं कभी बोलूँगा ही नहीं। आपको ऐसे इससे मोहब्बत हो जाएगी जैसे पहली नज़र में हो जाती है ना वैसे, और जीने के साथ भी और जीने के बाद भी आपके साथ ही रहेगा हमेशा। आज के बाद कभी भी आपको कैपलर का नियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतने चैलेंज के साथ आप लोग को मैं बता रहा हूँ मेरे चांद सितारों। तो चलिए बच्चा, हीरो हीरा लाल, आज हम लोग शुरू करी थे पढ़ाई। देखो, कैपलर ने ग्रहों से संबंधित टोटल 3 नियम दिए हैं, ओके, और तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसको हम लोग ने पहले ही लिख रखा है ताकि मेरा समय तो उतना ही लगेगा लेकिन आपका समय बचेगा, ठीक है, क्योंकि हम लिखें साथ में पढ़ाएं तो इससे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, कम से कम 40-45 मिनट पहुँच जाएगी। और वैसे में हम लिख रखे हैं, आपको समझा देना है, आपके खोपड़िया में बस इसको समाय देना है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो चलो बच्चा आई जाओ, हेलो इधर। पहला नियम हमारा है कक्षाओं का नियम। किसका? कक्षाओं का नियम, वो वाला कक्षा ना हो। देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स मतलब क्या होता है? कक्षा, समझे, और लॉ मतलब नियम होता है, ओके। तो देखो, प्रथम नियम क्या है? कक्षाओं का नियम। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रथम नियम है क्या। तो प्रथम नियम है कक्षाओं का नियम, ठीक है। अब देखो, प्रथम नियम क्या कहता है? तो कैपलर साहब ने अपने प्रथम नियम में बताया है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य के एक फोकस पर स्थित होता है, तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है। पल्ले नहीं पड़ा ना, हम जानी थे बच्चा, नहीं पड़ा। तो देखो, ग्रह क्या होते हैं? तो जो सूर्य है ना, सूर्य की परिक्रमा जो कर रहे हैं, जो पिंड, उसी को तो हम ग्रह कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब ये दीर्घ वृत्ताकार क्या है? दीर्घ वृत्ताकार, समझो, ये जो आपका दिख रहा है ना कक्षा, ये इसी को हम कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार। अब वृत्ताकार तो देखो, ये आपका गोल सा ऐसे होता है, वृत्त, ठीक है। अब इतना बड़ा आर्टिस्ट हुए भैया, तो हम साइंस ना पढ़ावत हुई, ठीक है, तो गोले पे मत जाना भैया, फीलिंग को समझो कि हम कह क्या रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ये वृत्ता है, ठीक, वृत्ताकार है, ये वृत्त है, ठीक। लेकिन दीर्घ वृत्ता क्या होता है? ये इलिप्टिकल, देखो ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ये कुछ इस शेप में आपका जो ग्रह होता है वो सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है, इस तरह घूमता है। तो प्रथम नियम यही कहता है कि प्रत्येक ग्रह, टोटल कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं, 9 थे लेकिन एक को भैया भगा दिया गया, ठीक है। तो अब 8 ग्रह हैं, तो 8ों ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार में गति करते हैं, ओके। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो यही तो है बच्चा प्रथम नियम, कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। प्रथम नियम क्या कहता है? कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है, ठीक है। देखो, ये आपका ग्रह ए प्लेनेट से, और यहां पर मान लो बी, ये ग्रह ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना। अब देखो, ये सूर्य है, सूर्य एक फोकस पर स्थित रहेगा कक्षक के, ठीक है, और जो ग्रह हैं वो इसके चारों ओर घूमते रहेंगे, ओके। अब चलो, प्रथम नियम समाप्त हुआ, ठीक। चलो अब दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरे नियम को कहते हैं क्षेत्रफलीय वेग का नियम, क्षेत्रफलीय वेग का नियम, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। अब ये क्या है, ये कैसी पर्यटात्मा है, तो इसको समझो बच्चा, यह का हम लोग कैसे समझ सकित है, देखा जरा,
किसी भी ग्रह को, किसी भी ग्रह को, ग्रह तो आप समझ गए ना क्या होता है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, आप यहां पर सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा भी लिख सकते हो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका मतलब समझो, ये जो ग्रह है ना सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, ये तो आप जानते हो बच्चा। तब देखो अब दूसरा नियम कहत का है बच्चा, कहत ये है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ये आपका सूर्य है और यहाँ पर मान लो ये सॉरी ये सूर्य है, ये ग्रह है, तो ये देखो सूर्य से इस ग्रह को जो मिलाने वाली रेखा है ना, ये आपकी मान लो यहाँ पर ये पॉइंट मान लो कि ये एस है और ये ए, ये बी और ये एस, तो ए बी और ये एस बी, ये दोनों रेखा जो मिला रही हैं सूर्य से इन ग्रहों को, ये समान समय में मान लो आप कुछ समय के लिए मान लो, क्या मान लो भैया, कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में ये आपका डेल्टा टी समय लगता है, ठीक है, तो डेल्टा टी समय में इसने इतना क्षेत्रफल कवर किया, तब इतने ही समय में फिर यहाँ इतना ही क्षेत्रफल ये कवर करेगा, ठीक है, बात नहीं समझे ना। देखो कह क्या रहा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, कोई भी जो ग्रह है उनसे सूर्य को जो मिलाने वाली रेखाएं हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती हैं। अब आप मान लो कि ये ग्रह ए से बी तक जाने में डेल्टा टी समय ले रहे हैं, तो इस डेल्टा टी समय में ये इतना क्षेत्रफल कवर करेंगे, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में ये डेल्टा टी समय ही लगेगा और ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर ही है। अब कुछ महान भाव क्या कहेंगे कि सर ये तो बड़ा सा है, ये तो छोटा सा है, तो बच्चा ये समझो कि ये बड़ा है तो ये पतला तो है और ये छोटा है तो मोटा है ना, तो ये देखो ये पतला है तो लंबा है और ये छोटा है तो मोटा है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये क्षेत्रफल बराबर हैं आपस में, मतलब डेल्टा टी समय में ये इतना क्षेत्रफल कवर किया, तो डेल्टा टी समय में जितना क्षेत्रफल ये है उतना क्षेत्रफल ये भी होगा, समझ में आ गई बात। तो इसको आप लोग कह कैसे सकते हो, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि ए एस बी का क्षेत्रफल, ए एस बी का क्षेत्रफल अपॉन में कितना समय लग रहा है, डेल्टा टी समय लग रहा है, तो ये बराबर होगा किसके, सी एस डी, सी एस डी का क्षेत्रफल और अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा टी, आप इसको ऐसे कह सकते हो। पूरा निचोड़ दूसरे नियम का ये है, ठीक है, तो दूसरा नियम भी कंप्लीट हो गया कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। कहानी क्लियर। अब देखो आखिरी और तीसरा नियम, इसको कहते हैं परिक्रमण कालों का नियम। ये नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान से समझना, वो बहुत ही आसान है मेरे चंद सितारों, हम कभी किसी नियम को कठिन कहते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर आप कह दोगे एक बार कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टफ है भैया, लेंथी है, तो बच्चों के मन में तुरंत आ जाएगा कि हाँ जब सर ने कह दिया तो वाकई में होगा। इसलिए कभी भी किसी भी अध्यापक को ये कहना ही नहीं चाहिए कि ये टफ है, बहुत हार्ड है, कोई भी हो, पहाड़ हो, सबको बताओ भैया ये चीटी है, ठीक है, नहीं तो भैया एक बार जो यहाँ पर पहुँच गया कि हाँ ये पहाड़ है तो वो जिंदगी भर पहाड़ ही रहेगा, भले आप समझ जाओ लेकिन आप खुद समझे रहोगे और दूसरों को भी बताओगे कि ये पहाड़ है भैया, बच के रहना, ठीक है, सबको चींटी की तरह देखो बच्चा। तो तीसरा नियम हमारा क्या है, परिक्रमण कालों का नियम, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल समझो क्या होता है, मान लो ये आपका, ये है आपका
कच्छक है, तो यहाँ से ये ग्रह जो होते हैं चारों तरफ घूमते हैं ना, तो जो परिक्रमण काल मतलब ये जो घूम रहे हैं इसका समय क्या है, ठीक है, वो समझो। किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, ठीक है, उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के, अब ये देखो ये दीर्घ वृत्ताकार जो कक्षा है ना, इसका अर्ध दीर्घ अक्ष देखो भैया, दीर्घ अक्ष और अर्ध दीर्घ अक्ष समझ लो पहले, तभी ये समझ पाओगे नियम। चलो समझो, ये आपका कक्षक हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये आप इसको व्यास नहीं कह सकते, डायमीटर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, दीर्घ अक्ष, क्या होगा ये, दीर्घ अक्ष, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। और यहां पर अर्ध दीर्घ अक्ष की बात की गई है, तो अर्ध अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, अर्ध का मतलब आधा, समझे, तो अर्ध का मतलब आधा, तो यहां से आधा कर दो इसको, तो अर्ध दीर्घ अक्ष को अंग्रेजी में कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये हमेशा ये फिक्स है कि ये 2R होता है टोटल, ये यहां से यहां तक, ठीक है, 2R होता है, इसको सेव कर लो अपने यहां कि ये भैया 2R होता है। तो 2R का आधा कितना होगा, आधा, किसी भी चीज का आधा करने के लिए हम करते क्या है, दो से भाग करते हैं, तो अगर ये टोटल 2R है मेरे चांद सितारों, 2R है, तो इसका आधा कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा R, ठीक है। तो इसलिए देखो ये यहां से यहां तक 2R था, तो और हम इसके आधा की बात करें तो ये R और ये R, ठीक है, तो यही है। यहां से यहां पर कोई अगर हम नाम दे दें, क्या O मान लें, तो O से A तक जो है ये क्या है अपना, दीर्घ अर्ध दीर्घ अक्ष, सेमी मेजर एक्सिस, और आप इसको भी कह सकते हो B से O तक, ये भी आपका क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, अर्ध दीर्घ अक्ष, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो अब चलो अब नियम पर चलते हैं। किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के, मतलब अर्ध दीर्घ अक्ष आपका क्या है, A से O तक, इसके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। परिक्रमण काल के आपका टाइम पीरियड समझ लो ना, तो ये आपका मतलब इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो परिक्रमण काल का वर्ग, इसका वर्ग मतलब पावर में 2, उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है के अर्ध दीर्घ अक्ष, ये आपका अर्ध दीर्घ अक्ष हो गया, के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल, ये अर्ध ये समानुपाती कह सकते हो, प्रोपोर्शनल इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में समानुपाती कहा जाता है, बहुत सारा नाम है कि क्या होता है, और है क्या ये R, तो ये R के घन के बराबर है, ठीक है, यही है तीसरा नियम, या टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यू। अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह भैया हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक मिलता है, तो यहां पर के नियतांक हमें मिला, तो समझ में आ गया ये टी क्या है, ये है आपका परिक्रमण काल, ठीक है, मतलब जो ग्रह है वो कितने समय में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है टी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसको आप लोग खोपड़िया में सेव कर रखना, एक बार पूरा फिर से समझ लो प्यारे। प्रथम नियम क्या है, कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। प्रथम नियम कहता क्या है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, और सूर्य जो होता है वो कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है, भैया सूर्य नहीं हिलता डुलता है, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, क्षेत्रफलीय वेग का नियम, अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, ठीक है। यह नियम क्या कहता है, यह नियम कहता है किसी भी ग्रह के सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये आपके ग्रह हैं, तो ये जितने समय में ये जो आपकी रेखा है ना, ये जितने समय में ये इतना क्षेत्रफल कवर कर रहे हैं, इतने ही समय में इसके बराबर ही क्षेत्रफल यहाँ पर तय करेगा। आपको ये जो चित्र दिख रहा है ये थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा हो, नहीं, लेकिन ये बराबर हैं, ठीक है। तो ये जितना क्षेत्रफल उतना क्षेत्रफल ही ये भी है, और समय दोनों का सेम है, तो ये है आपका दूसरा नियम कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है।
इतना भी कह दोगे तो बंदा खुश हो जाएगा, ठीक है, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए तीसरे नियम और आखिरी नियम की बात करें तो ये है परिक्रमण कालों का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, सॉरी लॉ ऑफ पीरियड्स। देखो ये क्या कहता है कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। जो ये आपका टाइम पीरियड, जो आपका परिक्रमण काल है, परिक्रमा मतलब क्या होता है, घूमना, और क्रमण काल परिक्रमण काल या परिभ्रमण भी होता है, ये घूमना, ठीक है, परि मतलब चारों ओर, परि मतलब चारों ओर, और क्रमण काल मतलब घूमना, चारों ओर घूमना। किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, जो ग्रह है वो चारों ओर जो ये घूम रहे हैं ना, उसके टाइम पीरियड, उसका जो परिक्रमण काल है, उसका वर्ग क्या होता है, उसकी दीर्घ दीर्घ वृत्ताकार, ये दीर्घ वृत्ताकार है कक्षा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष क्या है, ये आपका दीर्घ अक्ष है, ये ए से बी तक, ठीक है, मेजर एक्सिस इंग्लिश में कहते हैं, और अर्ध दीर्घ अक्ष मतलब अर्ध मतलब आधा, उसका आधा कर दो तो ओ से ए तक अर्ध दीर्घ अक्ष हो जाएगा। तो इसका भैया घन क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से समझो, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, तो भैया ये तीनों नियम समाप्त हुआ। अब मैं साइड हो रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कभी भूलें बिसरे तो इसको एक बार देख लें भैया सरसरी निगाहों से। ओके चलिए, तो मेरे चांद सितारों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, और अगर कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और कोई भी टॉपिक आपको अगर नहीं समझ में आ रहा फिजिक्स में तो बिंदास आप कमेंट करिए, हम आपको उसको घोल के पिला देंगे, उस टॉपिक को लेंगे या इसे घोलेंगे गिलास में, आपको इसे पिला देंगे और मज़ा आ जाएगा, और जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी आप याद करोगे कि किसी से हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय बाय, सी यू, हंसते रहो खेलते रहो।